हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पटिकिया 2 के अपकमिंग एपिसोड में आप क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि कुराइन कहती है माफ़ करना हमें, और प्रतिक्रिया बहुत इमोशनल हो रही होती है क्योंकि वो इस तरीके से माफ़ी मांग रही होती है। फिर वो कोमल के पास जाती हैं, कोमल भी रो रही होती है, कहती है कि कोमलिया अपना ख्याल रखना। हाँ, और तो कोमल बहुत रो रही होती है उन्हें देख के, क्योंकि वो आखिर है तो उसकी माँ ही ना, तो वो भी काफ़ी इमोशनल हो रही होती है ठकुराइन को देख के। फिर वो जाती हैं प्रतिक्रिया और कृष्णा के पास, कहती हैं कि सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ हम तुम लोगों का दिए हैं, और हमेशा तुम दोनों को अलग करने की कोशिश हमने की है, पर तुम दोनों ने हमको हमेशा मौका पर मौका दिए हैं। तुम लोग इतने अच्छे हो, लेकिन हम तुम्हारे संग कभी अच्छा ना किए। कुराइन बहुत रो रही होती है, वो प्रतिज्ञा के सर पे हाथ रखती हैं। प्रतिज्ञा भी बहुत रो रही होती है ठकुराइन को रोते देख के, क्योंकि प्रतिज्ञा जैसी भी है वो दिल से तो बहुत अच्छी है। फिर कहती है हमें माफ़ कर देना। फिर ठकुराइन जो है कृष्णा के सर पे हाथ रखती है, कृष्णा कहता है अम्मा, मगर ठकुराइन रो रही होती है। फिर वो समर और बच्चों के पास जाती हैं, कहती हैं कि तुम लोग खूब पढ़ो, हाँ खूब पढ़ो। फिर वो गर्व और कीर्ति से कहती हैं कि तुम लोग खूब पढ़ना, हाँ अपनी मम्मा की तरह बनना, हाँ और हमने जो किया वो गलत किया ना, तभी हम जा रहे हैं। बच्चों से माफ़ी मांगती हैं, कहती हैं गलत का मतलब गलत ही होता है ना। तभी ठकुराइन जाने लगती हैं, पीछे से गर्व आवाज़ लगाता है दादी, तो वो रुक जाती हैं और रोने लगती हैं। गर्व आके उनके पास आ जाता है दौड़ के। फिर कीर्ति और समर भी आ जाते हैं, तीनों बच्चे इनके गले से लग जाते हैं। तभी कहती हैं कि हमका जाने दो, और फिर कीर्ति और गर्व से कहती हैं अपना ख्याल रखना, हाँ, और फिर वो जाने लगती हैं। और फिर जो है ठकुराइन वहाँ से चली जाती हैं। ये सब लोग बहुत दुखी हो रहे होते हैं। फिर ठकुराइन तो वहाँ से चली जाती हैं, ये लोग बहुत रो रहे होते हैं क्योंकि वो जैसी भी थी तो इनकी अपनी, पर क्या करते, अब उनको जाना ही पड़ा। तभी फिर प्रतिक्रिया कहती है, इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म ही है जो हमें सही गलत बताते हैं। और वैसे भी हमें कर्म करने चाहिए बिना सोचे कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का रिजल्ट तो ऊपर वाले के हाथ में ही होता है ना, इसलिए हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। ठीक है, अच्छे कर्म करने चाहिए हमेशा। तो फ्रेंड, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।